मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपने कार्य का हिसाब जनता जनार्दन को दिया। शिवराज जी के नेतृत्व के अंदर मध्य प्रदेश बीमारू राज्य में से बाहर निकलकर देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों की सूची में शुमार हो गया। इसके लिए मैं शिवराज जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। लेकिन आतंक मचाने वाले, गड़बड़ करने वाले बुलडोजर से रौंद दिए जाएंगे, मामा का बुलडोजर चलेगा। शिवराज सिंह चौहान ऐसे नेता जो छोटी सी जगह जन्मे, छोटे घर में बड़े हुए, लेकिन सपने बड़े देखे। एक ऐसे नेता जिन्होंने सियासत में संघर्ष करने का दम रखा। एक ऐसे नेता जो 18 सालों से ज्यादा समय से एमपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज है। ऐसे नेता जो मध्य प्रदेश में बीजेपी के सबसे प्रमुख और लोकप्रिय चेहरे हैं। और एक ऐसे नेता जो राजनीति के पक्के खिलाड़ी हैं। नमस्ते, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव की नई सीरीज व्यक्तित्व। आज इस वीडियो में बात मध्य प्रदेश के मामा शिवराज सिंह चौहान की। शांत, धीर, गंभीर, सरल मगर चतुर, मध्य प्रदेश के मामा शिवराज के बारे में ये बातें आम हैं। जो आम नहीं है वो है उनका व्यक्तित्व। किसान के बेटे का राज्य के मुख्यमंत्री बनने तक का सफर काफी ज्यादा दिलचस्प है। मात्र 13 साल में आरएसएस को ज्वाइन किया, उसका अहम हिस्सा बने, जिसका फल उनको 33 साल बाद मिला जब उनको साल 2005 में एमपी के सीएम के रूप में चुना गया। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। शिवराज सिंह चौहान का जन्म 5 मार्च 1959 को सीहोर जिले के जैत में हुआ था। शिवराज के पिता का नाम प्रेम सिंह चौहान था और माता का नाम सुंदरबन। उनके पिता किसान थे। शिवराज सिंह चौहान किरार राजपूत समुदाय से संबंध रखते हैं। शिवराज के परिवार में कोई राजनीति से ताल्लुक नहीं रखता था। खेती को ही अंतिम सत्य मानकर शिवराज के परिवारजन रोजी रोटी कमाया करते थे। शिवराज ने कक्षा 4 तक की पढ़ाई एक गांव में की थी। शिवराज जहां पढ़ते थे उस जगह कोई सुविधा नहीं थी। बिजली, पानी, पढ़ाई, किसी चीज की कोई व्यवस्था थी ही नहीं। खेल के अलावा बच्चों के मन में और कोई विचार नहीं आता था, क्योंकि यहाँ पढ़ाई को कोई सीरियसली लेता नहीं था। वहां एक भी लाइब्रेरी नहीं थी। ये सब देखते हुए शिवराज के परिवार वालों ने उन्हें भोपाल आगे पढ़ने के लिए भेज दिया। भोपाल जाकर उन्होंने मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल में दाखिला लिया। शिवराज के खानदान में वैसे तो कोई राजनीति से आता ही नहीं था, लेकिन शिवराज को इसमें काफी रुचि थी। शिवराज सिंह चौहान जब महज 13 साल के थे तब वो 1972 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस में शामिल हो गए थे। इसके बाद में वो समय समय पर आम जनता के मुद्दों को उठाते रहे। पढ़ाई करते हुए शिवराज सिंह चौहान पहली बार साल 1975 में छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। शिवराज पढ़ाई और नेतागिरी दोनों मन लगाकर किया करते थे, जिसके बाद वो लगातार आगे बढ़ते गए। अब शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। खैर, किसानों और मजदूरों के साथ होने वाले अत्याचारों के खिलाफ शिवराज ने छोटी सी उम्र से ही आंदोलन छेड़ दिया था। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस सरकार में लगाए गए आपातकाल का विरोध भी किया था और उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। वो साल 1976 से 1977 के बीच जेल गए थे। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। शिवराज ने भोपाल के बारकतुल्ला विश्वविद्यालय से एमए में दाखिला लिया था, लेकिन फिर भी शिवराज के माता पिता उनके फ्यूचर को लेकर काफी चिंतित रहा करते थे। शिवराज स्कूल कॉलेज में काफी पॉपुलर थे, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति के लिए। आए दिन उनके बारे में बातें होती रहती थी। शिवराज पढ़ाई से ज्यादा नेतागिरी करते थे, लेकिन फिर भी वो कभी भी स्कूल और कॉलेज में फेल नहीं हुए। कहते हैं ना कि आदमी अपनी किस्मत लिखवा कर लाता है।
शिवराज सिंह चौहान की किस्मत में शायद राजनीति ही लिखी थी। कब बने पहली बार विधायक? शिवराज सिंह चौहान वर्ष 1977 से 1978 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री बने। वहां 1978 से 1980 में मध्य प्रदेश के एबीवीपी के संयुक्त मंत्री रहे। 1980 से 1982 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राज्य महासचिव रहे और 1982 से 1983 में राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद के सदस्य चुने गए। साल 1984 से 1985 में शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में बीजेपी मोर्चा के संयुक्त सचिव बने। वो 1988 तक इस पद पर रहे, जबकि 1988 में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। वो 1991 तक इस पद पर रहे। गांव में भी जमीन देंगे। देखो भैया, मैंने मध्य प्रदेश में एक बात साफ है, गुंडे सब जानते हैं कि बातों के धनी शिवराज सिंह चौहान कितने पॉपुलर हैं। लेकिन आपको बता दें कि वो हमेशा से ही अपने भाषणों के लिए काफी पॉपुलर रहते थे। वो किसानों और मजदूरों की आय का मुद्दा हमेशा ही बेबाकी से उठाया करते थे। इसी के साथ वो अघोषित किसान नेता बन गए थे। इसी चीज ने उन्हें एक बड़ा नेता बनाया था। वो पार्टी के कोर मेंबर्स के तौर पर जुड़ गए थे। 1990 के विधानसभा चुनाव के दौरान शिवराज ने बुधनी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और विधायक बन गए। अब जान लेते हैं कि शिवराज सिंह चौहान कब कब सांसद रहे हैं। विदिशा लोकसभा सीट से तत्कालीन सांसद अटल बिहारी वाजपेयी ने 1991 में अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने यहां से लोकसभा उपचुनाव लड़ा और जीत दर्ज कर सांसद के रूप में संसद पहुंच गए। सांसद बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने 6 मई 1992 को साधना के साथ शादी कर ली। साधना गोंदिया के मातनी परिवार की बेटी थी। साधना से शिवराज के 2 पुत्र भी हैं। साधना के साथ शादी के बाद मानिए शिवराज का राजनीतिक कद बढ़ता ही चला गया। साधना को अक्सर आप फोटोज और वीडियोस में शिवराज सिंह चौहान के बगल में पाएंगे। वो हर जगह शिवराज सिंह चौहान का साथ देती गई। शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 1996 में हुए 11वें लोकसभा चुनाव के दौरान विदिशा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद 1998 में जब 12वीं लोकसभा का चुनाव हुआ तो वो विदिशा से तीसरी बार सांसद चुने गए। इसके बाद साल 1999 में हुए 13वें लोकसभा चुनाव के दौरान शिवराज सिंह चौथी बार सांसद बने। इस चुनाव के बाद केंद्र में बीजेपी समर्थित एनडीए सरकार सत्ता में आ गई थी। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान केंद्र सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों के सदस्य भी रहे थे। साल 2004 में हुए 14वें लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी को हार मिली, उसके बावजूद शिवराज सिंह चौहान विदिशा से सांसद चुने गए थे। इस जीत के बाद शिवराज की चर्चा देश भर में होने लगी। शिवराज का राजनीतिक कद बढ़ता ही चला गया। साल 2005 में शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। ये उस दौर की बात है जब उमा भारती पार्टी से नाराज हो चुकी थी। पार्टी को किसी ऐसे चेहरे की तलाश थी जिसके नाम पर कोई विवाद ना हो। और जब 29 नवंबर 2005 को बाबूलाल गौर ने अपने पद से इस्तीफा दिया तो फिर अविवादित व्यक्ति शिवराज को पहली बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। अगले ही साल उन्होंने बुधनी विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़ा और जीत हासिल की। शिवराज ने अपने सरल व्यवहार और काम से लोगों का दिल जीत लिया था। उनकी छवि एक ऐसे नेता के रूप में बन गई थी जो कभी गलत नहीं कर सकते। उनकी पार्टी भले ही गलत करे पर शिवराज एक ऐसा नेता है जो जनता के साथ गलत नहीं कर सकते। उनके बारे में सिर्फ अच्छी ही बातें होती थी। खैर, साल बीतते गए और शिवराज की पकड़ एमपी जैसे बड़े राज्य में इतनी हो गई कि इस सूबे की जनता ने एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया। हालांकि इस दौरान कई ऐसे मौके आए जब उनको विरोधियों ने बुरी तरह से घेरा, लेकिन बातों के धनी और रणनीति बनाने में माहिर शिवराज इससे बचते रहे। शिवराज साल 2018 का एमपी विधानसभा चुनाव हार गए थे। वो अपनी सीट तो जीत गए थे लेकिन उनके 13 मंत्री अपनी सीट बचा नहीं पाए थे। शिवराज के हाथ से सत्ता जा चुकी थी, शिवराज टूट चुके थे। लेकिन फिर आया साल 2020। उस साल सिंधिया ने बीजेपी को होली गिफ्ट दिया और कांग्रेस के 22 रेबल मंत्रियों के साथ बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और शिवराज सिंह चौहान फिर से सीएम बनने का मौका पा चुके थे। कांग्रेस उन पर कई आरोप लगाती रही है। सीएम की कुर्सी पर काबिज शिवराज को किसी भी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। खैर,
शिवराज की आय को लेकर भी विपक्ष कई सवाल उठाता रहा है। शिवराज सिंह चौहान की घोषित संपत्ति 7,66,00,000 रुपए से ज्यादा है। विपक्ष आरोप लगाता है कि उनकी संपत्ति में हर साल दुगना इजाफा होता ही रहता है, लेकिन इस सब के बावजूद आम लोगों के साथ उठना बैठना, हर सांस्कृतिक फंक्शन में जाना, बढ़ चढ़ के जनता के सामाजिक कार्यों में हाथ बटाना उनके फेवर में रहा है। एक किसान का बेटा मध्य प्रदेश जैसे बड़े सूबे का 4 बार मुख्यमंत्री बने, ये तो कोई आम बात नहीं है ना। खैर, इतने चुनाव जीतने के बाद एमपी के मामा के लिए कई चीजें बदल गई हैं। जिम्मेदारी बढ़ गई है, राजनीति का तरीका बदल गया है। जो नहीं बदला है वो है उनका व्यक्तित्व। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।